हरियाणा पुलिस की एसआईटी ने राजस्थान से जिस प्रदीप गोयल को पकड़ा था वह राम रहीम का करीबी है। उससे पुलिस रिमांड में बड़ी इनपुट दी कि हनीप्रीत नेपाल गई थी और वहीं हो सकती है। इसके बाद हरियाणा पुलिस ने काठमांडू में अपने सोर्स से कॉन्टेक्ट किया। दो सोर्सेस को काठमांडू से करीब 60 किलोमीटर दूर एक जगह पर भेजा गया। दोनों ने हनीप्रीत की फोटो के साथ हकीकत का पता लगाने की कोशिश की है। काठमांडू से 60 किलोमीटर दूर चार लोगों ने हनीप्रीत की फोटो देखकर कंफर्म किया कि 2 सितंबर तक वह उनके पड़ोस में ही मौजूद थी और उसके बाद अचानक गायब हो गई। इसके बाद एसआईटी को मैसेज दिया गया और डीजीपी से बात कर सर्च ऑपरेशन चलाने की मंजूरी ली जा रही है। इसके साथ साथ इंटेलिजेंस इनपुट आई है कि हनीप्रीत के साथ उसके भरोसे के 3-4 लोग मौजूद हैं जो उसके लिए सेफ जगह तलाशते हैं और उसे कुछ दिनों के लिए स्टे कराते हैं। हनीप्रीत ने अपने पूरे गेटअप को चेंज कर लिया है। वह पर्सनल गाड़ी की बजाय टैक्सी से सफर कर रही है।